अभी गाबरेजा बाउस एक रेलेवेंट सब्जेक्ट था, पावरफुल सब्जेक्ट था, और सिमिलरली ये आप तुहा धर्म कौन सा, विच इज व्हाट्स योर रिलीजन, ये आपने पहले से आपके दिमाग में था या गाबरेजा बाउस के बाद में ये सब्जेक्ट आप... कहीं पे तो पहले से ही था. ओके okay. मतलब मैं सोच रहा था उस बारे में. लेकिन फिल्म जो बनी तो वो ये पहले बनी. ओके okay. और लिखी भी पहले मैंने. ओके okay. लेकिन बनाना मैं मतलब उस वो भी मतलब सब्जेक्ट उसी वक्त मुझे मतलब सोच रहा था उसमें. और फिर आपको मतलब फर्स्ट फिल्म आपकी काफ़ी क्रिटिकल रिसेप्शन अच्छा था. हाँ. तो डिड इट हेल्प यू मतलब सेकंड फिल्म एक्टर्स अप्रोच करने, प्रोड्यूसर अप्रोच करने में? ये आपने ह्यूबर्ट वाल्स फाउंडेशन को अप्लाई किया. हाँ मतलब ये चीज़ें कुछ मालूम हो गई होती ओके तो उसकी वजह से आसानी तो हुई और लोग भी मतलब अभी ओके. आपने एक फिल्म बना चुकी है तो आप उसका एक अलग इम्प्रेशन होता ही है. ओके तो एक्टर्स भी आपके पास काम करना चाहते हो. लेकिन नॉट नेसेसरी एवरी टाइम मतलब क्योंकि इस फिल्म में भी अलग अलग बहुत सारे चीज़ें थी जो जिसके लिए मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी. मतलब एक तो ये फिल्म अलग अलग लैंग्वेज मतलब उसमें एक मराठी भी है वैसे हिंदी भी है थोड़ा. फिर ये इशू भी क्रिटिकल है थोड़ा सा ट्राइब्स के बारे में, फिर वो रिलीजियस रिलीजन के बारे में कुछ चीज़ें कहती है. तो वो सब चीज़ें एक तरह से मुश्किल हो जाती है फिर से प्रोड्यूसर पाने के लिए. और ये एक्टर्स के बारे में तो कोई मुश्किल नहीं होती है लेकिन ये ओके okay. कुछ चीजें होती है जब प्रोड्यूसर आपकी ओके okay. ये फिल्म है क्या एग्जैक्टली exactly? मतलब बता सकते हो व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेव फ्रॉम द फिल्म या व्हाट इज द फिल्म अबाउट? बेसिकली ये ट्राइब्स के बारे में है जो okay. मतलब डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जगहों में रहते हैं वो खुद का जीना जी रहे लोग लेकिन कुछ अलग फोर्सेस जो होती है बाहर से आई हुई तो वो किस तरह से उनको यूटिलाइज करती है या फिर एक्सप्लॉइट करती है एक्सप्लॉइट करती है तो ये तो मतलब बहुत ऐसा एक सोशल इशू जैसे लगता है. लेकिन फिल्म एक फैमिली और कैरेक्टर्स के बारे में है. ओके सो एंड धर्म एज इन आपको एज अ वे ऑफ लाइफ जो है तो ट्राइब्स का हाँ. तो उस हिसाब से वो है. ओके और आपने अब पहले से अहिरानी जो आपने लैंग्वेज यूज की है तो आपने कैसे रिसर्च किया? मतलब आपको आपने किसी को अप्रोच किया होगा या नहीं? मैं खुद तो वो जानता नहीं था लैंग्वेज. हाँ, हाँ. जैसे कि गाबरेजा बाउस में मैं खुद जानता था लेकिन okay. यहाँ पे ये अलग लैंग्वेज है बहुत okay. में थोड़ा सा बहुत हाँ, ऐसा डिफरेंट डायलेक्ट है. ओके लेकिन कुछ लोग मतलब मैंने खुद पहले मराठी में लिखा okay. फिर उसके बाद उसमें हमने ट्रांसलेट किया okay. कुछ दोस्तों की और इसकी हेल्प से okay. और फिर सेट पे भी कुछ मेरे असिस्टेंट थे जो हाँ. हम उनके साथ एग्जीक्यूट किए. ओके ऐसा और फिर एक्टर्स आपके एक्टर्स को पहले कैसे वर्कशॉप्स वगैरह लेके? हाँ एक थोड़ा सा एक वर्कशॉप जैसे मतलब हाँ. रीडिंग करना उसका मतलब किस तरह से वो प्रोजेक्ट करते हैं किस तरह से करना चाहिए क्योंकि उनकी भी ये लैंग्वेज नहीं है हाँ, एक्टर्स की भी. हाँ, तो वो सब कर पाना एक अलग चीज थी. ओके बाकी के सब अपने सब वहाँ के लोकल एक्टर्स तो होंगे नहीं तो आपने बाकी के जब सपोर्टिंग कास्ट था? लोकल कुछ एक्टर्स थे लेकिन हाँ. ज्यादा से ज्यादा लोग तो यही के थे मुंबई और जैसे कि मैंने कहा कि अभी हमारे ड्रामा स्कूल से बहुत ओके ओके बहुत सारे अलग अलग मराठी इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्टर्स हैं. ओके और मैंने इसे नोटिस किया है कि वहाँ के लोग भी बेस्ट ऐसे इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं आपने? हाँ वो तो करते ही हैं. ओके वो तो हर आपकी रिसर्च में अच्छा. ओके रिसर्च की बात ही नहीं वो तो अभी है ही मतलब अच्छा मिक्स लैंग्वेज तो हो ही जाती है. ओके हम जानते ही हैं मतलब. ओके तो अभी ये आपकी फिल्म 15th मार्च को रिलीज होने वाली है. हाँ तो आप ऑडियंस को क्या कहें मतलब क्या एक्सपेक्टेशन से जाए वो फिल्म देखने के लिए या व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द फिल्म? एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसा है कि भाई आजकल तो लोग अलग अलग तरह की फिल्में देखते हैं. हाँ या क्यों देखने जाए आपकी फिल्म आपको ऐसे लगता है ऑडियंस? क्यों मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है मतलब okay. हम एज अ फिल्म मीडियम और एज अ कंटेंट इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. ओके तो उस हिसाब से वो देख सकते हैं उसको. हाँ. या फिर जैसे कि हम कहते हैं कि अभी हिंदी में भी अलग चीज मतलब अलग अलग फिल्में बनती हैं. अभी लव सेक्स धोखा भी जैसी फिल्म थी एक एक्सपेरिमेंट
था उस फिल्म में, या फिर उड़ान थी, या फिर अलग अलग फिल्में थी आ रही है, अलग अलग यंग डायरेक्टर्स ये कर रहे हैं, तो उसका जो एक स्टोरी टेलिंग है या फिर एक नयापन है उसमें, तो वो लोगों को अच्छा भी लगता है, अलग स्टोरी भी देखना पसंद करते हैं, तो मराठी में भी वैसा ही है। हाँ, तो लोग ज्यादा मराठी में तो और भी ज्यादा है एग्जैक्टली, क्योंकि मराठी लोग बहुत अलग 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 स्टोरीज, मतलब जैसे कि लिटरेचर का भी बहुत एग्जैक्टली, तो रूरल हो या अर्बन हो या फिर कोई भी हो, वो देखना चाहते हैं।